कंड में बड़े छोटों के सिर कलम, किसी आईएस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, यानी कि छोटी जो मछलियां हैं उनके खिलाफ लगातार शिकंजा कस रहा है, लेकिन जो बड़े अफसर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामूली अफसरों और सिर्फ इंजीनियर्स पर ही कार्रवाई हुई है। जिन पर एक्शन हुए हैं ज्यादातर वो लोग रिटायर हो चुके हैं। एलडीए के किसी बीसी या किसी डीएम पर कोई एक्शन नहीं। 19 अफसर और इंजीनियर्स को इस मामले में सस्पेंड किया गया है। 19 में से 4 पहले ही रिटायर हो चुके हैं। 15 मामूली मुलाजिमों पर कार्रवाई हुई है। सुनील यादव अग्निशमन अधिकारी निलंबित किए गए हैं। अभय भान पांडे रिटायर किए गए हैं, मुख्य अग्निशमन अधिकारी निलंबित किए गए। योगेंद्र प्रसाद अग्निशमन अधिकारी निलंबित किए गए। इसके अलावा विजय कुमार सिंह अग्निशमन अधिकारी निलंबित किए गए। सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा विजय राव निलंबित किए गए और जेई आशीष मिश्रा, एसडीओ राजेश मिश्रा को निलंबित किया गया है। यानी कि ये जो तमाम नाम हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं जिनका निलंबन हुआ है। इस मामले में जिला आबकारी अधिकारी रहे संतोष तिवारी निलंबित किए गए। यानी कि उन अधिकारियों पर चाबुक चली है, या तो वो फिलहाल सक्रिय नहीं है या फिर वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। लेकिन हमारा सवाल यही है कि ऐसी बड़ी मछलियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, क्योंकि इतना बड़ा, इतना भीषण अग्निकांड हुआ। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कई होटल बार्स ऐसे हैं जहां पर मानक पूरे नहीं हैं, मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। उन पर लगातार जो जांच है वो तेज है, जांच चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ मामूली लोगों पर ही कार्रवाई क्यों, ऐसे बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। आपको बता दें कि 19 में से 4 लोग पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। तो एक भीषण अग्निकांड, 4 लोगों की मौत और बहुत सारे सवाल अपने पीछे ये अग्निकांड छोड़ गया है। लेकिन सवाल यही है कि सिर्फ मामूली लोग पर ही कार्रवाई क्यों, ऐसे रसूखदार लोग, सफेद पोशों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। और संदीप खेर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। संदीप, सवाल यही है कि ऐसे लोग तो नप चुके हैं जो बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है या रिटायरमेंट उनका पहले ही हो चुका, लेकिन सवाल वही है कि बड़े लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं, सिर्फ मामूली ही लोगों पर क्यों कार्रवाई की गई। संदीप, बिल्कुल, देखिए स्वाति, जिस तरीके से कह सकते हैं कि सीएफओ समेत लगभग 14 से ज्यादा अफसरों को सस्पेंड किया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेवाना जो स्वीट्स अग्निकांड है, बड़ी कार्रवाई करी है। लेकिन जिस तरीके से देखिए, चाहे गृह विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो, एलडीए आबकारी विभाग हो, इन पर जिस तरीके से कार्रवाई करी गई, लेकिन ये देखा गया है कि अभियंताओं पे कार्रवाई करी गई है। हालांकि एक आध इसमें पीसीएस अधिकारी भी शामिल हैं, लेकिन जी संदीप, आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो भीषण अग्निकांड, 4 लोगों की मौत और देखिए बहुत सारे सवाल, ये पूरा मामला अपने पीछे छोड़ गया। हालांकि जांच लगातार की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द और भी कार्रवाई होगी, और भी चीज़ें इस पे देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं, जो नाम सामने आए हैं, उसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेहद गंभीर हैं और कई ऐसे प्रकरण सामने आ चुके हैं जिनका वास्ता उनसे भी है, लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। एलडीए के किसी वीसी पर और डीएम पर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। संजीव हमारे साथ लगातार मौजूद है। संदीप, ये बताइए कि सवाल ये है कि किसी वीसी पर या फिर किसी जिलाधिकारी पर क्यों कोई एक्शन नहीं होता है, क्योंकि अभिषेक प्रकाश की भी बात सामने आ रही थी। बिल्कुल स्वाति, देखिए कई तरीके की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें लखनऊ के पूर्व कह सकते हैं डीएम है अभिषेक प्रकाश, वीसी भी रहे थे उस दौरान, वो उनकी वहां पर रुकने की कई तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन बात देखिए वही है, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा से यही होता आया है कि जब भी कोई बड़ी ऐसे कह सकते हैं कि चाहे अग्निकांड हो या कोई भी ऐसी दुर्घटना हो, उसमें छोटे अधिकारियों पर गाज गिरती है।
और एलडीए से इस बात को कहा जा रहा है, वहाँ के जो अधिकारी हैं वो नाराज हो चुके हैं, लामबंद है। उनका कहना ये है कि बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, हम तो वही करते हैं जो हमको बड़े अधिकारी आदेश देते हैं। तो इस पूरे मामले को कह सकते हैं कि मिला जुला के कहीं ना कहीं से एक ठंडे बस्ते में डालने की देखिए कोशिश करी जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर सख्त हैं और जिस तरीके की उन्होंने देखिए कार्रवाई करी अपने आप में, ये भी उन लोगों को जरूर सुकून देगी जिनके जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को उस होटल के अग्निकांड में खोया है। लेकिन अधिकारियों को समझना होगा और जो भी पहले के अधिकारी रहे, हालांकि वो अब कह सकते हैं ना वो लखनऊ में ना ही वो अब उस में, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उनको बचाने का आखिर प्रयास किया क्यों जा रहा है। कई तरीके के नाम इसमें शामिल हैं, जिस तरीके से चाहे लखनऊ के डीएम रहे हो, अभिषेक प्रकाश रहे हो, और भी उसके पहले के तमाम ऐसे लोग हैं। तो देखिए देखने वाली बात यही है कि ऐसे बड़े अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी, जिनकी कह सकते हैं कि जो संलिप्तता है, जिनकी जो भूमिका है वो इस होटल में बनने को लेकर तमाम चीजों को लेकर उसमें शामिल रही है। बिल्कुल संदीप, बने रहिए आप हमारे साथ। और सीएम